होटल्स मैनेजमेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठन अध्यक्ष भावेश सिंह ने ओयो कंपनी द्वारा की जा रही होटल मालिकों से एग्रीमेंट से ज्यादा पैसे वसूलने का किया भंडाफोड़। श्री सिंह ने बताया कि ओयो जैसी बड़ी कंपनियां आज मार्केट में छोटे बिजनेसमैन को खत्म करने का काम कर रही है। लोगों से कई प्रकार की पेनल्टी व कमीशन के रूप में 70-80% पैसा वसूल ले रही है। ऐसे में होटल मालिक अपने होटल कैसे चला पाएंगे। श्री सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ओयो की बहुत सारे काले राज खोल के रख दिए। होटल मैनेजमेंट वेलफेयर एसोसिएशन अध्यक्ष भावेश सिंह ने यह भी कहा कि संगठन से जुड़े सभी मेंबर को न्याय मिलेगा। होटल संगठन का उद्देश्य 29% कमीशन और GST के अलावा हम कुछ नहीं देंगे। वॉल्किन CID, DA, डिजिटल ऑडिट, GST और भी जितनी तरह की पेनल्टी है वह नहीं देंगे। होटल का प्राइस होटल वाले तय करेंगे। ओयो पेट जितना भी आता है वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर होना चाहिए, ना कि ओयो वैलेट में। जितने कस्टमर आएंगे उनका ही चेक इन होगा। अगर होटल ओनर को होटल से संबंधित कोई भी समस्या होती है तो एसोसिएशन प्रयास करके उस समस्या का समाधान करवाएगा। ओयो की जो मनमानी है वो खत्म करने का है। ओयो की मनमानी बहुत ज्यादा हो रही है होटल संचालकों पे। ये जो कमीशन उनसे बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं वो चार्ज ना करें, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। अच्छा, अगर आपकी जो है शर्तों पे नहीं खरा उतरते हैं तो फिर संगठन का क्या अगला कदम होगा? अगर ये हमारी शर्तें नहीं मानेंगे तो मैं सारे होटल संचालक को लेकर रोड पर उतर जाऊंगा। कितने लोग संगठन में हैं आपके साथ? अभी तो हमारे संगठन में लगभग 300 लोग जुड़ चुके हैं। 30 जनवरी तक लगभग 1000 समर्थक हमारे हो जाएंगे। उसके आगे हर महीने हमसे लगभग 1000 लोग जुड़ते जाएंगे, मगर हजारों की संख्या में लोगों को अगर लेके रोड पे उतरूंगा तो ओयो को फिर हमारी बातें माननी पड़ेगी। अदर जिले के भी जो लोग हैं प्रेस यही कर रहे हैं या अदर जिलों में करने का फिर संगठन का विचार? नहीं, अलग अलग जिलों में प्रेस किया जाएगा, अभी तो सिर्फ लखनऊ में ही किया जा रहा है। अच्छा, कुछ एसोसिएशन की बात हुई है ओयो से किसी एम्प्लॉय से या मालिकों से? ओयो के सारे एम्प्लॉय से लगभग मेरी बात हो चुकी है। ये बस जुमला देते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं, प्रॉपर्टी किसी और को टैग कर देते हैं, दूसरा एम्प्लॉय ठीक करेगा, लेकिन कभी आज तक ठीक हुआ नहीं। होटल मालिक की जितनी समस्या होगी होटल से रिलेटेड उस पर काम किया जाएगा। देश हमारा ओयो कंपनी को लेके है। पहले आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मैं भावेश सिंह होटल मैनेजमेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष कार्यरत हूँ। आज का जो विषय हमारा है वो ओयो से संचालित जितने भी होटल हैं उनकी समस्याओं को लेके है। ओयो कंपनी होटल के ओनर के साथ बहुत फ्रॉड कर रही है। इनका कमीशन 29% होता है, जो कि ये 60%, 70%, 80% तक चार्ज कर देते हैं। ये इतनी तरह की पेनाल्टी लगाते हैं कि अगर किसी आम आदमी को या सरकार तक ये बातें अगर पहुंच जाए तो उनका दिल दहल उठ जाएगा। और रेट ये 400-500 में ये रूम बुक कर देते हैं, जिससे होटल संचालक को काफी दिक्कत हो रही है। इसलिए हमने एक एसोसिएशन बनाया है ताकि इनको न्याय मिल पाए, और वो न्याय मिलेगा। हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जिसको रितेश अग्रवाल तक पहुंचाना है। इसमें जो जेन्युइन चीजें इनके पॉइंट, तो हमारे जो पॉइंट्स हैं वो 29% कमीशन आप ले रहे हो, आप लोग, मुझे वो देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्जी तरह की जितनी पेनाल्टी लग रही है वो हम नहीं देंगे। पेनाल्टी हम 1 रुपये नहीं देंगे। होटल का रेट हम तय करेंगे ना कि आप तय करेंगे। कस्टमर हमारे होटल पे आता नहीं है लेकिन फर्जी से चेक इन हो जाते हैं, तो ये सब चीजें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एसोसिएशन जब बना, ग्राउंड लेवल पे मैंने खुद काम किया, कई होटलों पे मैं खुद गया, होटल ओनर से मिला। कोरोना काल अभी भी तो बीता ही है, 3 साल कोरोना काल रहा, उससे कोई अभी उभर नहीं पाया।
लोग अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जमीन बेचे, कर्ज लिए, घर के गहने तक बेचे ताकि हम इस बिजनेस को आगे बढ़ाएं। लेकिन 400, 500, 300 में अगर रूम करेगा अगर हुए हो तो फिर हमारा बिजनेस ग्रो कैसे करेगा, जिससे काफी ज्यादा दिक्कतें होटल संचालक को हो रही हैं। और हमारे घर पॉइंट्स अगर ओयो मानता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो उत्तर प्रदेश उसके बाद पूरे भारत में जितने होटल संचालक हैं उनको लेके मैं रोड पे उतर जाऊंगा। एसोसिएशन के माध्यम से अभी तक क्या सरकार से कोई वार्ता किया संबंधित से? सरकार से तो कोई वार्ता अभी तक हुई नहीं है, लेकिन जल्दी मैं मुख्यमंत्री जी से मिल के अपनी बातों को उन तक पहुंचाऊंगा। अभी तक एसोसिएशन में आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं? अभी तक एसोसिएशन में मान के आप चलिए कि लगभग 300 प्लस लोग हमसे जुड़ चुके हैं। इस महीने के लास्ट में मतलब 30 जनवरी तक हमारे 1000 समर्थक हो जाएंगे, जो कि धीरे धीरे ये बढ़ते रहेंगे। ये आपने एसोसिएशन कब बनाया? एसोसिएशन बनाया हमको लगभग अभी एक महीना हुआ है। हाँ, एसोसिएशन के माध्यम से होटल मालिकों को भी क्या संदेश देंगे आप? होटल मालिकों को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि अब तक छोटे मोटे मुद्दे हुए हैं, जैसे मान चलिए 10 लोग, 5 लोग, 20 लोग मिल के रोड पे उतरे, अपनी बातें ओयो तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वो मुद्दे सॉल्व हो नहीं पाए। लेकिन मैं 15, 20 लोग, 25 लोग को लेके उतरने वाला नहीं हूं। जब तक हजारों की संख्या रोड पे नहीं उतरेगी तब तक ओयो की मनमानी खत्म नहीं होगी। मुझे इनकी मनमानी खत्म करनी है। तो कोई एप्लीकेशन आज तक आप लोगों ने किसी माध्यम से भेजा या नहीं? ओयो को जी, ओयो के जो निचले तबके के जो एम्प्लॉई होते हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं, उनसे मैंने ही नहीं जितने होटल वाले हैं सबने बोला, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। वो लोग कहते क्या? वो लोग यही कहते हैं ये कंपनी की पॉलिसी है, कंपनी की ये पॉलिसी है, हम ऐसा करेंगे। आप लोगों ने कभी प्रशासन से इस चीज की शिकायत नहीं की? प्रशासन से तो कई बार किया गया, लेकिन प्रशासन वही बोले कि FIR करो, इन पे हजारों FIR है। कुछ निस्तारण उसका निकल के आया, कुछ भी निकल के नहीं आया। तो फिर मैं भी आते हैं 1000-2000 लोगों को इकट्ठा करके फिर FIR करूंगा, ठीक है? और FIR सॉल्व होते होते 10 साल, 15 साल, 20 साल हो जाएगा, तो मैं FIR करने के मूड में बैठा ही नहीं उस समय। क्या मेरी जो समस्याएं हैं, अगर ओयो कंपनी मानती है तो ठीक है, नहीं तो मैं सबको लेके रोड पे उतरूंगा। तब आप मानो, तब भी अगर नहीं मानेगी ठीक है, तो मैं भारत देश से ओयो का नामो निशान खत्म करूंगा। अच्छा, जो ये प्रेस वार्ता हो रही है इसको लेकर लखनऊ में ही हो रहा है प्रेस वार्ता या फिर और कई जिलों में होने वाले? नहीं, अभी तो लखनऊ में प्रेस वार्ता हो रही है, लेकिन जुड़ हमसे काफी लोग जुड़ रहे हैं, अलग अलग जिलों में सारे लोग जुड़ रहे हैं। फिलहाल आपने अभी इलाहाबाद का भी कुछ प्लान बना रखा कि प्रयागराज में भी कुछ? इलाहाबाद हो गया, कानपुर हो गया, बनारस हो गया, गोरखपुर हो गया, अभी लखनऊ में है आपका, आगरा हो गया, हर जगह अपना परिचय दे रहे हैं। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम भावेश सिंह है, मैं होटल मैनेजमेंट वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, उसके साथ साथ मैं एक होटल संचालक भी हूँ। हमारे 6 होटल इलाहाबाद में चलते हैं, बनारस में चलते हैं, गोवा में चलते हैं, लखनऊ में भी चल रहे थे। लखनऊ में इनका जो 300-400 वाला जो चक्कर था उसके चलते मुझे 3 होटल अपने बंद करने पड़े। उसके बाद फिर इलाहाबाद की, इलाहाबाद में भी वही प्रक्रिया शुरू हो गई इनकी और पूरे देश में शुरू कर दिया इन्होंने।